और बिल्कुल मैं इस वक्त यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की भी बात करूंगी, क्योंकि गंगा सवेरा का यही फॉर्मेट है जहां हम बात करते हैं इस ऐसी ही कुछ अहम खबरों की। तो इस आधे घंटे के भीतर आपको उत्तराखंड का मौसम का हाल कैसा है वो भी बताएंगे, धुआंधार अंदाज में खबरें दिखाएंगे और चलिए इसी क्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए आस्था, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि उत्तराखंड में बारिश की ताजा अपडेट क्या है। ताजा अपडेट ये है कि आज भी देवभूमि में बारिश का अलर्ट है। आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, और तो और बारिश ने श्रद्धालुओं को भी मायूस कर दिया है। इस वजह से प्रदेश में चारधाम की यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि ये अस्थायी रोक है, सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में SDRF और NDRF पहले से तैनात है। श्रद्धालु जरूर मायूस हुए हैं, अस्थायी रोक है, लेकिन फिर भी आप मौसम का हाल देखिए, इस गाड़ी की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक इस वक्त उत्तराखंड में हाल है। भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में रेड अलर्ट तक मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो देखा कि मौसम का हाल कैसा है, देवभूमि में किस तरीके से मौसम अपने रंग दिखा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं चार अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो उत्तराखंड से जुड़ी हैं। कहां का हाल कैसा है, सबसे पहली तस्वीर होगी रामनगर की। यहां एक सैलाब और इसमें एक कार बहती दिखाई दी। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। तीसरी तस्वीर आप रुद्रपुर की देख रहे हैं, लगातार बारिश के कारण घरों के बाहर पानी भर गया है। चौथी तस्वीर जोशीमठ की है, जहां भारी बारिश के चलते जुगजू गांव के ऊपर फिर से चट्टान टूट गई। यहां लोगों ने भागकर जैसे तैसे जान बचाई, अब लोगों ने स्कूल में शरण ली है और ये हालात इस वक्त देवभूमि के हैं। आप चार तस्वीरें देखिए, रामनगर, रुद्रपुर, अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हल्द्वानी, जोशीमठ, सभी जगह पानी से लबालब है। सड़कें ट्रैक्टर तक डूब रहे हैं, चट्टाने टूटकर गिर रही हैं। तो आस्था, जो तस्वीरें हमने अभी दिखाई उनको जरा डिटेल से समझें। तो सबसे पहले रामनगर की बात करते हैं, इस तस्वीर को देखिए आप ध्यान से। पिछले दो दिन से लगातार बारिश है और इस बारिश के बाद जो एक कार नाले में बहती दिखाई दी, ये काफी वायरल रहा। इस कार को स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से बांधकर बाहर निकाला, लेकिन कुछ वक्त के लिए कार सवार तो क्या ही समझ पा रहा होगा, उसकी जान आपत में थी। क्योंकि ये जो कार बहती दिखाई दे रही है, सिर्फ कार नहीं है, इसमें सवार है और उसकी जान किस तरीके से बचाई गई आप इन तस्वीरों से समझिए। जिस तरीके का बहाव है, ट्रैक्टर डूबा दिखाई दे रहा है, ट्रैक्टर काफ़ी मजबूत माना जाता है, उसको आगे बढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो कार कहाँ जा सकती है ये हम आप समझ सकते हैं आस्था। ऐसे में बहुत बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का कि कम से कम कार सवार की जान बचाई जा सकी। ऐसे हालात बन गए थे। रामनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं रुद्रपुर की बात की जाए तो बारिश से जनजीवन यहां पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहां जिला मुख्यालय में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया, लोगों के घरों के बाहर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और लोगों के घर के बाहर निकलने के लिए अब कई बार उन्हें सोच विचार तक करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये घरों के बाहर की तस्वीर है, जहां तक नजर जाएगी सड़क नहीं तालाब नजर आएगा। तो आखिर घर से बाहर निकले भी तो कैसे, जरूरी काम करने हो, दफ्तर जाने हो, खाने पीने का सामान लाना हो, पर घरों के बाहर की परिस्थिति देखिए। उत्तराखंड में दो दिनों से हो रही बारिश में तराई तरवतर हो गई है। आप देख सकते हैं मैं इस समय रुद्रपुर में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि देर रात से अब तक हो रही बारिश ने कैसे तराई को जो है अपनी चपेट में ले लिया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और जो कॉलोनी है उनमें भी पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी वीडियो में जो आप घर देख रहे हैं, इनमें घर में जो है पानी पूरा भरा हुआ है और वहाँ के लोगों को बारिश से बचने के लिए, यानी कि पानी से बचने के लिए निकाल दिया गया है। वो अन्य जो अपने जानने वाले हैं उनकी जगह पर रह रहे हैं और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा। अभी भी आप देख सकते हैं तेज़ बारिश हो रही है और पानी का बहाव कितना तेज़ है। कल्याणी नदी के मैं पास मौजूद हूं, वो आप देख सकते हैं कि कितने तेज़ बहाव है उसका। और हर साल पानी में जो बारिश जो होती है उसमें यहाँ कुछ लोग बह जाते हैं, कुछ लोगों के घर जो है इसकी पानी की चपेट में आ जाते हैं। तो आपने कई तस्वीरें देखी बारिश की, अब जरा जमीनी हकीकत भी जान लेते हैं।
जमीनी हकीकत बताने के लिए हमारे साथ तीन संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। देहरादून का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि कैंतुरा, और काशीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास गुप्ता। रामनगर का अपडेट हमें देंगे दानिश खान। तो चलिए सीधा इनके पास आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि अभी की ताजा स्थिति क्या है। सबसे पहले रुख रवि कैंतुरा का करते हैं। रवि बताइएगा सबसे पहले तो इस वक्त वहां मौसम कैसा है और अभी तक की बारिश और सड़कों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके कारण कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। जी बिल्कुल, आज अपने दर्शकों को हम बता दें कि पूरे दिन भर मौसम कैसा रहेगा। खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात की तो दो भागों में ही विभाजित रहता है, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं क्षेत्र। लेकिन आज गढ़वाल जो क्षेत्र है वहां पर बारिश से राहत रहेगी, ये नया अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सुबह के वक्त में अच्छी धूप भी खिल गई है, लेकिन जो कुमाऊं क्षेत्र है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर भी आज बर्फबारी और बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन कुमाऊं के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में आज जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को आज बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी और चमोली और रुद्रप्रयाग इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ ही कई जगहों पर जो है बारिश भी देखने को मिलेगी। ऐसे में कल तक की बात करें तो काफ़ी जो नुकसान है वो बारिश से उत्तराखंड में हुआ है। पूरी अगर बात करें तो 7 स्टेट हाईवे बंद हैं, 5 जो है नेशनल हाईवे अभी तक पूरी तरीके से बंद है। 2 जगह ऐसी हैं चंबा और जोशीमठ की तरफ जहाँ पर पूरी तरीके से जो सड़क है वो वॉश आउट हो चुकी है, जिसको जो कल तक खुल पाएगी। तो ऐसे में कई जगहों पर जो लिंक मार्ग है करीब 100 से अधिक सड़कें उत्तराखंड में बाधित हैं। तो ऐसे में लगातार जो कार्य है वो चल रहा है। आज कुछ मौसम ने सुबह से राहत दी है गढ़वाल क्षेत्र की ओर, तो ऐसे में जो 20 सड़कें टूटी हैं उनको सुचारू करने का काम भी सही ढंग से हो पाएगा। अभी जो यात्रा है चारों धामों की उस पर अस्थायी रोक है। आज शाम तक स्थिति साफ हो सकेगी कि किस तरीके का मौसम उत्तराखंड में रहेगा और कल से फिर यात्रा को शुरू किया जाएगा। बिल्कुल रवि, अभी यात्रा चाहे चार धाम की हो या फिर कोई सामान्य यात्रा, पहाड़ों पर यात्रा से बचना है, इसके निर्देश साफ तौर पर दिए जा रहे हैं। मौसम की यह स्थिति है, लेकिन रामनगर में किस तरीके के हालात हैं, क्या कंडीशन है, इसके लिए भी हम रुक करते हैं और दानिश बताएंगे कि वहां कैसी परिस्थितियां हैं, किस तरीके से लोगों की मदद हो रही है, जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं इस वक्त हम खड़े हैं रामनगर की कोसी नदी के तटबंध पर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोसी नदी ने किस कदर अपना रोज रूप अपनाया है। इस नदी से लगातार 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी खतरा मंडरा चुका है यहाँ पर। क्योंकि पिछली बार 2010 में जो आपदा आई थी उसी कोसी नदी के चलते तमाम उत्तर प्रदेश के गांव जलमग्न हुए थे और इस नदी का जल स्तर अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस नदी के चलते अब बाढ़ आने वाली है। लगातार बारिश रामनगर में जारी है, जीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। तमाम अधिकारी और प्रशासन यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि जीवन को सुचारू रूप से सुचारू किया जा सके, लेकिन बारिश लगातार होने से अभी तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई है। नेशनल हाईवे 3 जिलों को बंद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी नेशनल हाईवे जो यहाँ से होकर गुजरते हैं उनको बंद करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि अधिकारियों को ये सूचना भी दी जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है और भी आगे बारिश होने से और भी स्थिति खराब हो सकती है। बिल्कुल, स्थिति काफी खराब है और हाईवे किस तरह से बंद किए जा रहे हैं और लोगों को कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं आपने विस्तार से दानिश बताया। रुक करेंगे अब हम काशीपुर का, विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीपुर की क्या परिस्थिति है विकास इस वक्त? जी हाँ, मैं बता दूं काशीपुर की पिछले 2 दिनों से लगातार जो आफत की बारिश आपने बताई, बिल्कुल आफत की बारिश हुई और लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। धान की फसल जहां काफी बर्बाद हुई है तो वहीं ढेला नदी में पानी ज्यादा आने से बस्तियों में भी पानी भर गया, पूरा शहर जलमग्न रहा। लेकिन आज राहत की बात यह है कि काशीपुर में आज बारिश नहीं है, मौसम खुला हुआ दिख रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज बारिश नहीं होगी। बिल्कुल, तो आज मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बीते दिनों जिस तरह का मौसम देखा है लोगों ने तो कहीं ना कहीं अभी तक लोगों के जहन में डर बरकरार है कि कहीं एक बार फिर से मिजाज बदल गया तो क्या होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मौसम का ये हाल और जमीनी हकीकत क्या है ये हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए, और बारिश के बाद अभी जिलों का हाल कैसा है, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया, संवाददाताओं ने बताया कि कहां कहां कैसी स्थिति है, और अब हम अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे और लोगों से जानेंगे कि किस तरीके की अपडेट है। जी हाँ, और ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बारिश की वजह से राज्यों
में अभी तक कितनी मौतें हुई हैं और तीर्थ स्थलों का क्या हाल है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी कौशल जो कि दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जी कौशल बताइए। जी बिल्कुल आस्था, उत्तराखंड में बारिश ने अपना कहर मचा रखा है और इस वजह से अब तक 2 महिलाओं समेत 1 बच्चे की मौत हो गई है। साथ ही बारिश की वजह से बद्रीनाथ जाने वालों को भी मायूसी हो रही है क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे इस वजह से बंद है, लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और इसकी वजह से जो है रास्ते बंद पड़े हैं। जी आस्था, तो ये हाल है इस वक्त उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं तो इस वक्त काफी एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और सलाह दे रहा है, जो भी उत्तराखंड आ रहे हैं या फिर तीर्थ यात्री हैं, तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई जा चुकी है क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया था उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिन का, और उसके बाद से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो जहां तक हो सके कम से कम फिलहाल उत्तराखंड की यात्रा पर आए क्योंकि अभी हालात बहुत खराब है और लगातार बारिश जिस तरह से हो रही है उसके वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा रहा है, कई नेशनल हाईवे बंद हैं, कई सड़कें बंद हैं। जी आस्था बिल्कुल, तो सड़कें बंद हैं, कई हाईवेज पर इसका असर पड़ा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, ये अपडेट कौशल आपने दिया। लेकिन अब हम जब चुनाव की बात कर रहे हैं, हम जब सियासत की बात कर रहे हैं, तो नेताजी के जो दौरे हैं वो जनता के बीच में बढ़ना शुरू हो गए हैं, मतलब ये जो कदम ताल है वो अब बढ़ चुकी है, जनता के बीच में जाना बढ़ चुका है और इसीलिए बात फिटनेस की भी हो रही है। व्यस्त रहना एक चुनौती है, इस चुनौती के लिए नेताजी खुद को कितना फिट रख पा रहे हैं, यानी नेताजी फिट हैं तभी तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या है, तो आज हम दिखाएंगे आगरा के फतेहाबाद सीट से भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा तो काम अच्छे होंगे, और हम शरीर अच्छा नहीं रख पाएंगे, मन भी अच्छा नहीं रहेगा और हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। वैसे हम लोग गांव गरीब गांव ग्रामीण के निकले हुए लोग हैं, जब गांव में जाते हैं कहीं कार्यकर्ता के यहाँ जाना होता है, पैदल भी जाते हैं, पैदल भी दौड़ते हैं और सुबह बहुत जल्दी जग के हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं जिससे पूरे दिन मन अच्छा रहता है, नींद दूर रहती है और पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत हो जाता है सुबह जगने से, जल्दी जगने से और दौड़ने वाले। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है तो हमें अपने शरीर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, उसी के तहत हम लोग सुबह भी देते हैं और जब बहुत वो होता है लोग कुछ काम के लिए भी आते हैं तो हम लोग जहाँ एक्सरसाइज करते हैं वहीं बुला लेते हैं, वहाँ से भी लोगों को फ़ोन कर देते हैं। कभी समय रहता है तो पार्क आ जाते हैं, नहीं घर में भी हमने अपनी साइकिलिंग वाली जो मशीन है वो लगा ली है और एक हमारे कॉलोनी में भी छोटा सा पार्क, वहाँ भी घूम लेते हैं। कभी बहुत होता है तो गाड़ी से उतर के पैदल भी चल लेते हैं, गांव देहात में जाना हुआ तो शाम को टहल लिए, दिन में टहल लिए, लेकिन निरंतर थोड़ा बहुत समय शरीर के लिए ज़रूर देते हैं। प्रयास करते हैं कम से कम खाएं और थोड़ा हेल्दी खाएं, बस यही प्रयास करते हैं। कहते हैं कि नेताजी फिट हैं तो हिट हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप अगर कहीं आगरा से बाहर रहना होता है तब कैसे इसको मैनेज कर पाते? ये तब तो मैनेज ऐसे ही होता है, गाड़ी में बैठे आधा 1 किलोमीटर के लिए कहीं उतर लिए, समय रहा तो समय के अनुसार। की एक्सरसाइज फिट रहने का हिट फॉर्मूला, हर रोज हम ये सेगमेंट आप तक लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि आपके अपने जो नेताजी हैं वो आपसे चुनावी वायदों के अलावा और अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सेगमेंट का मकसद यही कि आप भी फिट रहें और हिट रहें।